हमारी सिर्फ छह ही मांग है जो पुरानी है, वो जो सरकार हमारी मांगे लागू नहीं कर रही। हम सरकार को बोल रहे हैं 9 तारीख तक हमारे जो छह डिमांड है तुरंत लागू करें, नहीं तो आशा वर्कर यूनियन हरियाणा की जो आशा वर्कर हैं 9 तारीख के को कोई बड़ा ऐलान करेंगी और जो सरकार खुद भुगत भोगी होंगी। हमारी पहली मांग है 8 एक्टिविटी का 50% जो कट हुआ वो तुरंत लागू करे, और दूसरी मांग है हमारी कोविड-19 के दौरान काम कर रही जो आशा वर्कर है उनको जोखिम भत्ते के उसके रूप में 4000 रुपये दिया जाए, और जो कोविड-19 के दौरान सर्वे कर रही 1000 उसका सरकार ने 50% देने का यश किया था, जो हमें मिला नहीं है वो 50% भी काट लिया सरकार ने, वो भी देना चाहिए हमें। और तीसरा गंभीर रूप से बीमार जो दुर्घटना की शिकार आशा वर्करों को सरकारी पैनल पे जो अस्पताल है उनका इलाज की सुविधा की जाए, और चौथी मांग हमारी है आशाओं को सामुदायिक समाज स्तरीय पर जो स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और जब तक पक्का ना किया जाए उन्हें न्यूनतम वेतन 24000 दिया जाए, और महंगाई भत्ता दिया जाए, ESI एवं PF कटना चाहिए आशा वर्करों का, आशा वर्करों का हेल्थ वर्कर का दर्जा दिया जाए, और छठी मांग हमारी जो है जो 2018 को हमारी जुलाई 21 जुलाई 2018 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था हमारी, इसमें कई डिमांड हैं जो सरकार ने नहीं लागू किया अभी तक, वो हमारी तुरंत लागू की जाए। और तीसरी ये हमारी 6 डिमांडें थी जो सरकार हमारी लागू नहीं कर रही है, और अब कोरोना के दौरान जो आशा वर्करों को दिखते आ रही है सरकार, जैसे ही आशा वर्कर क्वारंटाइन करने जाती हैं तो उनके घर के परिवार के सदस्य आशा वर्करों के साथ गाड़ी गलौज करते हैं, कई जगह पर ऐसी ऐसी जो अपने सामने मुद्दे आए हैं उनका तुरंत फैसला की करवाया जाए, समझौता करवाया जाए, और जो सरकार हमारी मांगों के बीच में जो आनाकानी कर रही है तुरंत लागू करे, ये छह डिमांडे हमारी जायज हैं और पुरानी है, कोई नई मांग नहीं है। हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी ये मांगे पूरी की जाए। 9 तारीख को हम जेल भरेंगे सारी आशा वर्कर, 3 दिन तक हम हड़ताल पे हैं, 7 और 8 को तो हमारे PSU पे धरना, 9 तारीख को करनाल हम जेल भरेंगे, सत्याग्रह का नाम है हमारी जेल भरों को, अगर नहीं सरकार तब भी मानते हैं तो 9 तारीख को कोई बड़ा ऐलान करेंगे या निश्चितकालीन हड़ताल का या कोई और रुख सरकार आशा वर्कर की यूनियन स्टेट कमेटी लेगी। सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा काम बढ़ाया ना, ये मास्टरों का काम भी जो स्कूलों का काम था स्कूलों में गोलियां दिया जाया करती, वहाँ भी आशा वर्करों को थोप दी, हर बुधवार जाया जाया का उसको गोलियां बांध बांध का हुआ, कोई भी काम है स्कूलों का सारा आशा वर्करों को थोप दिया, तो आशा वर्कर का कम से कम पैसा भी तो बढ़ाना चाहिए, जो पैसा वो भी नहीं मिल रहा टाइम पे। मेरी तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है भाई, जो हमारे पति इतना काम करवा रहे हैं ना तो हमारा पैसा भी दे।